Hello everyone, welcome back to my channel Simplify with Aditi Dhiraya. It has been a very long time since I said that and since I talked to you guys, a lot of things are happening. Okay, kya chal raha hai life mein? How was life going? Tell me in the comments down below, let's have a chat there. And let us get started with this video. This video is all about class 10 social science term 1, that is semester 1 exam. जो कि या तो नवंबर या दिसंबर 2021 में होगा. जब ये डेट शीट आएगी यू विल गेट टू नो डेफिनेटली. तो सी बी एस ई ने इस बार जो एग्जाम्स हैं उनको दो सेमेस्टर्स में डिवाइड करा है. हर बार एक एनुअल एग्जाम सी बी एस ई कंडक्ट करती थी जो कि मार्च में होता था, बट इस बार सी बी एस ई ने पूरा रिफॉर्म कर दिया एग्जामिनेशन पैटर्न और दो सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया पूरे आपके टर्म को. तो जो टर्म 1 या सेमेस्टर 1 का एग्जाम है वो नवंबर या दिसंबर 2021 में होगा. अभी कोई डेट शीट हमारे पास नहीं है, बट ये टेंटेटिव सी बी एस ई ने बता दिया है दैट आइदर इट विल बी इन नवंबर और दिसंबर. तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं. अब मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आई हैव मेट टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. एक तो वो जो कि फर्स्ट डे से जिनको सब पता रहता है कि क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम है, कब एग्जाम होगा, एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. और इस टाइम आते आते देर लाइक कि अब तो डेढ़ महीना बचा है, दो महीने बचे हैं, व्हाट डू वी डू, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ें, क्या करें. एंड देर सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लाइक कि अब उनको लगता है चलो एक डेढ़ महीना दो महीने बच रहे हैं, अब देख लिया जाए कि अब क्या सिलेबस है एंड एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे. सो दिस वीडियो ऑफ माइन इज फॉर बोथ द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. इस वीडियो में एक तो मैं डिस्कस करूंगी आपसे कि जो नया पैटर्न है उसके एडवांटेजेस और हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड देर सर्टन थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. सो कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ दिस पैटर्न, सबसे पहली बात कि ये वाला जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इसमें आपका सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो क्योंकि सिलेबस टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, इट बिकम्स वेरी इजीयर फॉर अस टू लर्न द होल सिलेबस. एक एसएसटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सबको ये लगती है दैट वी नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि सारे चैप्टर्स है अराउंड 15 to 20 चैप्टर्स जो कि एक बार में लर्न करने पड़ते हैं. इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी बोरिंग ऑल्सो समटाइम्स. तो क्योंकि इस बार आपका एग्जाम दो पार्ट्स में है, फर्स्ट पार्ट में दे आर ओनली 7 चैप्टर्स विच आर वेरी इजी टू लर्न. इजिली 7 चैप्टर्स लर्न हो जाएंगे. पहली चीज की लर्निंग का बर्डन कम हो गया. दूसरी बात कि इस बार का जो आपका पूरा एग्जाम है वो एमसीक्यू पैटर्न में है, तो लर्न करना ही नहीं देखा जाए तो. एमसीक्यू पैटर्न इज लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ना तो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे ना शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. तो जो हम पैराग्राफ्स लर्न करते हैं, शीट्स भर देते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स लर्न करते हैं, वो सब करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. दे आर ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन द सेमेस्टर 1. सो दोनों ही चीज़ें बहुत ही एडवांटेज है. रिसेंटली आई मेड अ वीडियो ऑन द क्लास 10 सोशल साइंस सिलेबस एंड द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पे दे रखा है. इन केस यू मिस्ड इट आई विल ऐड एन आई बटन अप हियर. एंड मेरे हिसाब से इस बार का जो एग्जाम है वो 40 मार्क्स का है, उस पर स्कोर कर पाना इज वेरी सिंपल. सिंपल सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें. सबसे पहली चीज, एक तो अपनी जो एनसीईआरटी है उसी को सबसे सामने रखो और एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो. If you have watched my previous videos, if you have been here before, you must have known कि मेरा चैनल completely NCERT focused है. Because I strongly believe कि NCERT आपको जितनी information provide कर सकती है उतनी information कोई भी दूसरी book provide नहीं कर पाती. आप जितनी भी refreshers follow कर लो, सारी refresher बनी तो NCERT से ही है. Also boards में जितने भी questions आएंगे वो NCERT के text से ही. Stop going to 4 to 5 different books. आप जितने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ेंगे उतना ही यू विल एंड अप कंफ्यूजिंग योर सेल्फ. दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, दैट इज लिमिट योर सोर्सेज. जितनी भी जगहों से आप पढ़ रहे हैं जस्ट लिमिट योर सोर्सेज. ब्राउज कर लो अलग अलग जगहों पे, वॉच मल्टीपल वीडियोज, गो थ्रू डिफरेंट बुक्स, बट ओनली फॉर वंस एंड देन फाइंड आउट वॉट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, विच वीडियोज डू यू लाइक द मोस्ट, एंड देन ड्यूरिंग योर एग्जाम्स जस्ट लिमिट दोज सोर्सेज एंड जस्ट फोकस ऑन देम. उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ो या उन्हीं वीडियोस को बार बार देखो. यू विल फील दैट आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें लर्न होती जा रही हैं. सो फर्स्टली एक एनसीईआरटी पर फोकस करो एंड सेकेंडली अगर आप एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरे सोर्सेज भी रेफर करते हो तो उन सोर्सेज को बहुत ज़्यादा लिमिट कर लो. जस्ट लिमिट योर सोर्सेज. सो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी जो इस बार फॉलो करो आप लोग. एक तो दो ही सोर्सेज रखो, एक एनसीईआरटी और एक कोई भी वीडियोज दैट यू प्रेफर वॉचिंग. सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार. इफ़ यू रीड द एनसीईआरटी थरली वंस, आपके दिमाग में बेसिक स्टोरी क्लियर हो जाएगी दैट व्हाट दिस पोर्शन इज ऑल अबाउट. जो भी पोर्शन आप प्रिपेयर कर रहे हो वो किस चीज़ से रिलेटेड है. वंस यू हैव स्टडीड द एनसीईआरटी वेरी वेल,
गो थ्रू अ वीडियो, जो भी वीडियो आपको पसंद हो, जो भी चैनल आप फॉलो करते हैं उस पोर्शन से रिलेटेड एक वीडियो देख लो, तो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जब वही चीज़ आप एक बार सुन लोगे, देख लोगे, तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा, अंडरस्टैंडिंग विल ऑल्सो बी अलॉट बेटर। ठीक है, अब इतना करने के बाद यू हैव अ बेसिक आइडिया एंड आपको एक स्टोरी फिट हो गई दिमाग में। उसके बाद देन गो थ्रू एनसीईआरटी वंस अगेन, इस बार थोड़ा और थरली पढ़ना, ध्यान से देख देख के पढ़ना, स्लोली पढ़ना, अच्छे से पढ़ना एनसीईआरटी। जब इस बार दोबारा आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, यू विल फील द डिफरेंस। पहली बार में जब एनसीईआरटी पढ़ी थी तो क्लियर पिक्चर नहीं थी, बट इस बार क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी यू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, इन अ सेकंड रीडिंग यू विल बी एबल टू मेमोराइज ऑल द डिटेल्स एज वेल। भी छोटी छोटी डिटेल्स और फैक्ट्स मेंशन होते हैं वो भी आपको साथ साथ समझ आने लगेंगे, याद होने लगेंगे व्हाइल यू रीड इट फॉर द सेकंड टाइम। इतना होने के बाद इफ यू फील कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको समझ आ गया, थोड़ी बहुत डिटेल्स भी आपको याद हो गई, तो बस बहुत सिंपल सा काम करना है, एक छोटा सा क्विज और ले लो। वेबसाइट्स पे मल्टीपल क्विजेज मिल जाते हैं, एमसीक्यूज बहुत सारी इजीली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं, बुक्स में भी होते हैं। वंस यू हैव टेकन द स्मॉल क्विज यू विल गेट टू नो दैट इफ यू आर देयर और यू नीड टू स्टडी वंस मोर। इस बार द सिलेबस, द एग्जामिनेशन पैटर्न इज हाईली सिंप्लीफाइड एज माय चैनल इज, तो जस्ट ये छोटी सी स्ट्रेटेजी है, जस्ट ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो इफ इट वर्क्स फॉर यू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Also subscribe to my channel if you haven't, I'll be highly grateful. I'll see you next time.